साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। कन्नौज का दुष्कर्म मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में पीड़िता की आरोपी बुआ को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी बुआ ही उस नाबालिग पीड़िता को सपा नेता नवाब सिंह यादव के घर लेकर गई थी। पुलिस आज यानी कि बुधवार को बुआ को कोर्ट में पेश कर सकती है। घटना के बाद से ही वो फरार चल रही थी। आपको हम बता दें कि आरोपी बुआ ने घटना के बाद भी मीडिया में आकर नवाब सिंह यादव पर लगे आरोपों को झूठा बताया था। उसने रेप के आरोपों को भी राजनीति से प्रेरित बताया था। उधर पीड़िता के माता पिता ने बुआ के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। नाबालिग ने भी आरोप लगाया था कि जब नवाब सिंह ने इस वारदात को अंजाम दिया तो बुआ कमरे के बाहर मौजूद थी। उसने बचाने के लिए कई बार आवाज भी लगाई थी, लेकिन उसने पीड़िता की एक ना सुनी और मदद नहीं की। मां की तहरीर के बाद पुलिस ने बुआ को भी इस मामले में सह आरोपी बनाया था, जिसके बाद वो फरार हो गई थी। वहीं इस मामले पर जबरदस्त सियासत भी देखने को मिल रही है। अयोध्या रेप कांड के बाद कन्नौज मामले में भी सपा नेता नवाब सिंह यादव का नाम आने के बाद बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला था। पूरे मामले पर विवाद बढ़ने के बाद सपा ने आरोपी से किनारा कर लिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।